तो हाय गाइस, मैं हूं विपिन लिपिन और मेरा यूट्यूब चैनल है विपिन कस्टम्स। तो दोस्त, आज का ये वीडियो है थोड़ा सा आप लोगों की जानकारी के हिसाब से, ये है बेनेली TNT 300। मेरे पास एक कस्टमर आया, उसका जो एक्सीलेटर प्रॉब्लम था, जो रनिंग कंडीशन पर एक्सीलेटर छोड़ देने के बाद भी वो रेस लो डाउन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैंने इंस्पेक्ट करने के बाद थोड़ा सा ये मेरा पता चला, इस बाइक का जो रिटर्न केबल रहता है एक्चुअली ये कंपनी का फॉल्ट है, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये है इसका थ्रॉटल, इधर आ जाओ। इस थ्रॉटल पर डैम्पिंग पोजीशन दोनों तरफ रहता है और यामा का जो MT सीरीज पर डैम्पिंग थ्रॉटल नहीं होने की वजह से रिटर्न केबल देने का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इस बाइक पर देने का आपको कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिवर्स पर डैम्पिंग रहता है। एक केबल का देखो, इसको हम खींच रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ, ये जैम होने की वजह से इसके थ्रॉटल पोजीशन पर बहुत प्रॉब्लम फेस हो रहा था कस्टमर, ठीक है। आप देखो खुद ही इसको खींच कर, तो एक्चुअली ये वाला केबल आप ड्यूक स्ट्रेंथ से एक्टिवेट हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, ये बड़ी बात नहीं, लेकिन जो मेन वाला है ये वाला केबल खींचने से रिटर्न डैम्पिंग बहुत अच्छे से हो रहा है। तो दोबारा कस्टमर को ये वाला प्रॉब्लम पर फेस करना नहीं पड़ेगा, ओके। ये नंबर केबल 1 और ये केबल नंबर 2। तो आपका भी अगर बेनेली TNT 300 बाइक हो, ये 2 नंबर केबल को आप हटा दो जितना चाहे, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं, अगर ये रहेगा तो आपका जैम होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, थोड़ा सा आपको मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए इस टाइप बाइक को, ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी चेन को वॉश करके, लुब्रिकेंट करके, गियर ऑयल डाल के आप चेन को यूज़ कर सकते हो, लेकिन C5 मोटिव एडिशन का चेन पेस्ट, चेन ल्यूब, चेन स्प्रे, ये वाला करने की कोई भी ज़रूरत नहीं अकॉर्डिंग टू दिस काइंड ऑफ वेदर सिचुएशन। और इसका जो ब्रेक पैड है निकाबी का, जो मार्केट पे ऑफलाइन पर आफ्टर मार्केट पर सेल होता है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। और इसको सेटिंग करने के लिए आपको पीछे वाला कैलिपर को दोनों 6 नंबर लंगे से ओपन करके फिर आपको सेटिंग करना पड़ेगा। और ये दोनों डुअल चैनल एबीएस होने की वजह से आपको इग्निशन की ऑन करके, बाइक को ऑन करके 40 या 30 स्पीड पर आपको व्हील स्पीड आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसके हिसाब से आपका एबीएस काम करेगा डुअल चैनल एबीएस, ताकि अगर आप चाहो तो इसको ऑफ कंडीशन पर ABS मॉडल यूज़ जैसे आप ऑयल पासिंग करना चाहोगे तो ये कभी नहीं होगा। तो ये तीनों चीज़ मैंने बताया शॉर्ट करके, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो छोड़ो, ये मेरा आज के लिए थोड़ा सा छोटा सा वीडियो है, तो आगे अगर पसंद है ये छोटा वाला वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, चलो।